हमें जब बीमारियां होती है या कोई बीमारी होती है तो हमने सबसे पहले अंदर देखना चाहिए, दिमाग में देखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है द कंडीशन ऑफ योर हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड। मतलब आपकी शारीरिक अवस्था जो है या तंदुरुस्ती है वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी बॉडी ठीक काम नहीं कर रही है ना, मुझे सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, फिर पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं बराबर देख नहीं पा रहा हूँ, बराबर सुन नहीं रहा हूँ, बहुत थक जाता हूँ, भूख लगती नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग शारीरिक बीमारियाँ कंप्लेन करते रहते हैं। फिर लोग रिश्तों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई लोग मेरा सुनते नहीं हैं, लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं, लोग मेरा वापर कर लेते हैं, लोग मेरा कॉल नहीं उठाते, लोग मेरे ऊपर प्यार नहीं करते, लोग मेरा अपमान करते हैं, लोग मेरी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं लोग मुझे, मेरे को ये ग्रांटेड पकड़ते, ग्राह्य धरते कि ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेगा, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। तो ऐसे रिश्तों के बारे में भी लोग कंप्लेन करते रहते हैं। फिर लोग अपने फिटनेस के बारे में कंप्लेन करते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ और एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलरली और फिर फिट नहीं है, वजन ज़्यादा है, मोटापा है, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, होटलिंग करेंगे और फिर बोलेंगे कि मैं फिट नहीं हूँ। फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेरा लाइफ है ना ठीक नहीं चल रहा है, मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कि मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकता हूँ, मतलब खुश नहीं कर सकता हूँ, लोग मेरे से खुश नहीं होते हैं, मुझे एक्चुअली मालूम ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी जो डिज़ायर्स है, मेरी जो इच्छा है वो लोग कभी पूरी करते नहीं है, मेरे को सबसे आखिरी में रखते हैं, मेरा तो लोग पायदान जैसा वापर कर लेते हैं, वापर करके फेंक देते हैं, लोग तो सुनते ही नहीं है, मैं हरदम चीज़ें आगे ढकेलता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ या इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, कुछ भी मेरे लिए काम ही नहीं करता, लोग तो बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल या काफ़ी सारे विचार लेके लोग मेरे पास में आते हैं। जब मेरे पास में लोग अलग अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में चल रहा क्या है। जैसे एक लेडी आई थी तो उसको बहुत डर लगता है, चक्कर आते हैं, कहीं भी बाहर जाने का डर लगता है, कुछ हो जाएगा, मैं चक्कर आके गिर जाऊँगी, 2 साल से हो रहा है। मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब मैंने पूछना चालू किया तो उसने बताना चालू किया फिर कि भाई पिताजी जो थे बहुत कड़क स्वभाव के थे, बाहर जाने देते नहीं थे, बहुत ऐसे कंट्रोल में रखते थे और उनको बहुत डर लगता था कुछ भी चीज़ का। बचपन में पिताजी ने ऐसा डरा के रखा हुआ था और 2 साल पहले उसका बच्चा कोई बीमार हो गया और उसको अपनी बीमारी याद आ गई, जब अपने पिताजी ने अपने को बाहर नहीं जाने दिया, इसका बच्चा बीमार हो गया और इसके हाथ पैर कांपने लगे कि मेरा बच्चा मर जाएगा क्या। हुआ कुछ भी नहीं, बच्चा ठीक हो गया, मगर तब से उसको चक्कर आना चालू हो गया, तो ये इनसिक्योरिटी कि मैं मर जाऊंगी या मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसे विचार जो है वो सब बीमारियां चालू करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या चालू है वो हमको देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या कंप्लेंट कर रहे हो, कौन सी कंप्लेंट आपकी चालू है। तो जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्या आपके लाइफ में क्या चला जाता, बताओ क्या हो रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, जब हम किसी पार्टी में मिलते हैं ना किसको, तो बस लोग पढ़े लिखे हाउ आर यू फाइन थैंक यू हाउ आर यू, बस यही चलता है, हाउ आर यू फाइन थैंक यू हाउ आर यू, बस कंटिन्यूस यही चलेगा। अंदर से पूरा बैंड बजा हुआ है, अंदर से पूरी लगी हुई है, मगर फाइन थैंक यू चलता है। यदि आप हर एक के जीवन में देखेंगे ना झाक के और अपने खुद के, समझेगा कैसी बैंड कैसी वाट लगी हुई है। जब लोग पूछते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी, बोलते हैं हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते क्या हो उसके बारे में लोग बोलते नहीं, आपके फाइनेंसेस कैसे उसके बारे में बोलते नहीं है, आपका लव लाइफ कैसे चल रहा है उसके बारे में लोग बोलते नहीं है, या आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है उसके बारे में लोग बोलते नहीं है, आपके बचपन में क्या हुआ। ऐसे जब पूछेंगे लोगों को समझेंगे कि अरे बहुत सारी बातें उनके जीवन में हुई है जिसकी वजह से अभी बीमारियां हो रही है, वो जो बातें हो गई ना उसके थॉट्स अभी भी दिमाग में बैठे हुए हैं, थॉट्स निकलते नहीं है और वहां से फिर बीमारियां होती रहती है, वो शारीरिक बीमारी होंगी या मानसिक बीमारी होगी, वो देखना पड़ेगा कि हमारे थॉट्स कौन से चालू है, क्योंकि योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। आपके शब्द जो है, जो थॉट्स है, वो आपकी दुनिया तैयार करते हैं। जब लोग कुछ बोलते नहीं है अंदर क्या चल रहा है, तो एक तो ऐसा हो सकता है जब वो बोलते नहीं तब तक उनको मालूम ही नहीं कि अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है, बस उनको मालूम है कि बस दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द है, पेट ठीक नहीं है, दमा लग रहा है, सर दर्द है, माइग्रेन, मतलब ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया है,
जोड़ों में दर्द है, तो उनको मालूम ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, उसके उसका मतलब क्या होता है। या तो इनको मालूम ही नहीं है, या फिर उनको मालूम है और वो बोलना नहीं चाहते या झूठ बोलते हैं। मगर आप यदि आपके इनर थॉट्स बदलेंगे, इनर थॉट्स के बारे में सोचेंगे अंदर क्या चल रहा है, और वो थॉट्स की वजह से इमोशंस आ रहे हैं, और इमोशंस और थॉट्स ये सब मिला के बीमारियां पैदा करती है, तो ये बीमारियां ठीक होने में मदद हो जाएंगी यदि आप समझ लेते हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि अंदर क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट बाहर क्या हो रहा है, और अंदर जो चल रहा है वो बाहर निकालेंगे। ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, अपराधीपन की भावना, मतलब गिल्ट फीलिंग, फियर, ये सब इमोशंस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको हम प्रेजेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ फॉरगिवनेस, माफ़ नहीं करना, खुन्नस पकड़ना, है बहुत महत्व का है। और वो यदि हम देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, किसकी वजह से बीमारी है, तो बीमारी ठीक होने में मदद हो जाएगी। साइकोथेरेपी में हम यही करते हैं, हिप्नोथेरेपी में मैं यही करता हूँ, और लोगों को अच्छा करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, बहुत सारी बीमारियों का कारण उनको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।